बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नावदे अलियन मजहर अलअजाइब तजिदहु औनल्लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सय्यन जली बिअलियन बिअलियन बिअली। खुदाया मजलिस अज़ा मेहनत इंसिराम कबूल फरमा, बानियान मजलिस सादात उज़ाम दे कारोबार खैर च रिज़्क हलाल च इलाही बरकत अता फरमा। मुकद्दस अज़ीम तर ज़िक्र द सवाब हक़े सैयदा सादात दे मरहूमीन बिलखसूस बानी मजलिस दी वालदे मरहूमा दी रूह पुरफतू तक पहुँचा। शफात सैयदा नसीब फरमा, कनीज़ान सैयदा शुमार व माशूर फरमा। हाज़रीनो सामईन दे खुदाया कबीर व सगीरा गुनाह माफ़ फरमा। मेरा अल्लाह मेरे वतन दी हिफाजत फरमा, मोहलक अमराज तू कोविड-19 तू मुहिबान नू महफूज फरमा। जितने मरीज ने बीमारे करबला दा सदका जड़ा इस दुनिया ते उम्मत नू शिफा देना आया, खुदाया जुमला बीमारा नू शिफा अता फरमा। फिर आशा जी मरीज ने किबला उस्ताद मोहतरम मोहनदास को मिसा मरीज ने खुदाया सेहत व सलामती अता। जितने बीमार ने बीमारे करबला दा सदका खुदाया शिफा अता फरमा। मेरा अल्लाह मोमना मरीजा ने सेहत अता फरमा। मेरा अल्लाह सुन्नी शिया नू इत्तेफाक अता फरमा। दुश्मना ने सैयदा नू निस्तो नाबूद फरमा। हकीकी वारस कायनात बकीयतुल्लाहिल आज़म शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम कायम दा जल्दी ज़हूर फरमा। कबूलियत अदी अदी खातिर एक सलवात बाजमात बुलंद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबल्लाहे व इत्रती अहले बैति ज़ात बुलंद सलवा। अहबाब अहले बैत हाज़रीनो सामईन अहालियान जंग शरफाए इलाका मेरे बुजुर्गान काबिल सद एहतराम मेरे सुन्नी शिया साहिबान 11 हिजरी 28 सफर शहर मदीना हादिये बरहा कामिना दिलाल दी जाहिरी जिंदगी दा आखिरी दिन। पैगंबर फरमा रहे ने मेरी उम्मत मेरे सहाबा मेरे कलमा पढ़न आले मैं आखिरी नबी हाँ। जाहिरन अज मैं दुनिया तो जा रहा लेकिन मैं थोड़ी हिदायत का वादा 11 हिजरी 28 सफर तक नहीं किया, कयामत तक थोड़े हाथ ही मैं। लिहाजा अज के बाद मैं अपनी जगह पर थोड़े दो हाथ ही छोड़ के जा रहा जी थोड़ी हिदायत करे। किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत, एक कुरान एक अहले बैत। मा इन तमस्सक तुम बेहिमालन तज़िल्लु बादी हत्ता यरिदा अलैया अलहौज़। अगर इन नाल तमस्सक करोगे मैं मोहम्मद जामिना ये तुम गुमराह नहीं होने देंगे।
इन्हां दे दामन नूं पकड़ोगे, तमस्सा करोगे, दुनिया दी जहालत दे अंधेरे चों तुहानूं नाल लै के हौज़े कौसर ते आ जाणगे। अगे मैं खलोताऊंगा, मैं जामे कौसर भी पेश करांगा। शुक्रिया भी अदा। ये जिहड़ियां दो चीज़ां मैं छोड़ के जा रहा, ये सकलैन। इस हदीस दा नाम ही हदीस सकलैन। पैगंबर कुरान और अहले बैत नूं सकलैन क्यों आखिया? बस यही जुमला जनाब तक पहुँचाने, तो मैं सत्र मुसाहिद शुरू कर दे। कुरान और अहले बैत सकलैन। सकलैन तस्निया दा सीगा है, बर वजन हसनैन। हसनैन किसनों आख्या गया? खूबसूरती में बिल्कुल बराबर, जिन्हों का फैसला ना हो सके कि ज्यादा खूबसूरत केड़ा है। तख्तियां लिख के मां के सामने, नाने फैसला नहीं किया, बाबा भी फैसला नहीं करते। अम्मा तुसी दसो खुशहती किसकी ज्यादा है? फरमाए मावां वास्ते तो पुत्र दोवें सोहने होंगे। नहीं अम्मा, खुशहती किसकी ज्यादा है? फरमाए ठीक है, मैं अपने गले का बजती हार मोतियां का तोड़नी हाँ, दाने बखेरनी हाँ, जिहड़ा ज्यादा चुन गया ज्यादा खुशखत है। त्रै दाने महाराज अल बहरैन दे वड्डे मोती चा ले, त्रै दाने बहिश्तिहार दे महाराज अल बहरैन दे छोटे मोती चा ले। सत्तवा और आखिरी दाना रह गया जिदे ते डिसीजन है कि खूबसूरती ज्यादा किसती। हसनैन, जिन्हां दी खूबसूरती का फैसला ना हो सके। एक पासो हसन हथ वधाए, दूजे पासो हुसैन जंग बैठे मेरे सामने। मैंने जिक्र की कसम है, अजे हथ करीब गए ने ते आवाज़े कुदरत जबरील पर मार के दो हिस्से तकसीम कर। अल्लाह तौले हथ सलाम, अल्लाह तौले हथ सलाम। हसनैन ऐसे खूबसूरत जिन्हां दी खूबसूरती का फैसला ना हो सके। खूबसूरती में बिल्कुल एक जैसे, इन अरबी च हसनैन आखा जाए। इसे वजन तैयार है सकलैन। सकलैन क्या है? रसूल अल्लाह ने कुरान और अहले बैत नूं सकलैन क्यों आख्या? आओ पहले सकलैन का तर्जमा समझो, सिकल क्या है। अयूब चौक में गया, मैंने चीनी चाहिए 5 किलो, चीनी दे दियो जी। वो इंज छापरी पा के नहीं देगा, छापरी चीनी तराजू दे एक परले चीनी दूसरे पासे वट्टा वेट। खरीदार दे सामने दुकानदार तराजू चाह के तोलेगा, पलड़े बिल्कुल बराबर हो, सुई एन सेंटर ही चोड़े, राई दे दाने जितना भी फर्क ना हो। अरबी जुबान च इस बराबरी नूं सकलैन आख्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुण समझो रसूल अल्लाह क्यों फरमाए सकलैन। कुरान और अहले बैत मैं बराबर तोल के दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह सकलैन की कंडीशन क्यों ला रहे हो? फरमाया मैं इस वास्ते मैदान माशर तेरे को पूछांगा, झंग चौक चू 5 किलो चीनी ली है, जब तक उस तोल के बराबर नहीं की थी, तू मुतमइन नहीं होया दुकानदार को तोल तोल के लैन आ लिया। मैं मुहम्मद कुरान और अहले बैत तोल के बराबर किते हैं, कुरान वधाई क्यों रखे अहले बैत नूं घड़ा है। अल्लाह तुहाडे हथ सलामत, अल्लाह तुहाडे हथ सलामत। यक जुबान बोलना बा जमात हैदरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन्नी तारिकुन फीकु मुस्तकलैन, बराबर ने। क्यों मैं बात शुरू की थी? ज्यादा देर समा खराशी नहीं करनी। नजूल मासूमीन का महीना है शाबान, खुशियां का महीना, वाहिद महीना है जिसे सिर्फ खुशियां। अज भी मेरे चौथे इमाम दे जहूर दा दिन आई पंशाबान। परसों अमीर प्यो दे अमीर पुत्र दे जहूर दा दिन, फिर हुसन दा कुरान शब्बीर दे वेड़े आएगा। क्यों साढ़े दरम्यान अजकल बहसा ने पैदा होंदे ने, जमदे ने, नजल होंदे ने, की ने? मैं आमदन बात शुरू की थी। मेरी जाकिरी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम गुजरे इस मिंबर तो, किबल आज़र हसन ज़ैदी साहब, जिन्हों का लकब ही खतीब आले मोहम्मद लतीफ ज़ैना दे खतीब। बहुत धीमे लहजे, बहुत वजनी बात करने वाले,
गॉड गिफ्टेड लोग चले गए, ऐसे चले जाएंगे। वो फरमा रहे हैं अल इल्म मौज़ऊन, इल्म रोशनी है, इल्म चिराग है। फरमाते हैं अगर तेरे हाथों से चिराग इल्म आ गया, अलफ नार बेबकरी पढ़ चुके हैं तू, दरसा स्कूलों कॉलेजों धक्के शक्के खा के चार आने तेरे को इल्म आ गया। उस दौर खतीब आले मोहम्मद फरमा रहे हैं अगर तेरे को थोड़े जे चिराग इल्म आ गया तो इस चिराग की रोशनी च सईदा के घर च वड़ के तलाशी ना लै इत्थे केड़ी शहर है, जंगल है। हुण बंदे तलाशियां लै रहे हैं, इलम की इमारत चार दीवारी सादात की फलांग के घर जा रहे हैं। क्यों लफ्जों इस्तेमाल करने आले मोहम्मद वास्ते जिस शुभ हो, यंग जनरेशन की समझेगी, वलादत तो ये साढ़े हार पैदा होते हैं। लफ्ज चेंज कर भाई, तेरे मेरे वास्ते लफ्ज होर ने, उन्होंने वास्ते लफ्ज होर ने, या मैं लिख दे जिस प्रोसेस नाल तू आ रहे आले मोहम्मद इन हम दे। तो फिर प्लीज लफ्ज चेंज करो, क्यों नवी जनरेशन तू शक च पाना है, वो साड़ी तरह इस दुनिया ते नहीं आंदे। सकलैन क्यों रसूल आख्या सकलैन ने, वजन च बराबर ने, सिर्फ वजन च नहीं रुतबे और मकाम इज्जत च बराबर ने, तहारत च बराबर ने। अगर कुरान नू नजस हाथ नहीं ला सकता तो आले मोहम्मद नू नजस मान ही नहीं सकता। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, सकलैन बराबर रखने नहीं हर मौके ते। एडे सोहने माहौल क्यों मैं इतना जनाब का वक्त ला, मैं जुमला आखा जनाब के चेहरे वेखा, हकीम नब्जा वेखेगा, जाकर हमेशा चेहरे जजमेंट करेगा। जिन्होंने मैं समझाया नहीं बोलिया फिर मेरी हक तलफी, जिन्होंने मैं नहीं समझा सकिया ना बोले, समझ के नहीं बोलोगे फिर मेरी हक तलफी हो जाएगी। सकलैन रसूल अल्लाह क्यों 1400 साल पहले फरमाई, सकलैन इज्जत रुतबे तहारत बराबर ने, नजूर बराबर ने, रख मौलवी सिर ते कुरान। अगर कुरान दिया आयात सूरत जम के आईया ने फिर आले मोहम्मद जमदे ने, जे कुरान नाजल है सकलैन ता ही नहीं आले मोहम्मद भी नाजा। तुहाड़े हाथ सलामत, तुहाड़े हाथ सलामत भाई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सकलैन बराबर जिथे मैं ते तू जम पवीए उथे सजदा नहीं, जिथे आले मोहम्मद जोर उधर मुंह ना करी अल्लाह सजदे कबूल नहीं करदा। फिर दस तेरी मेरी उन्हां दी खिलकत इक जैसी, फिर लफ्ज चेंज करो भाई। रवायात च विलादत दा लफ्ज है, लेकिन इस जनरेशन नूं तू किवें समझाएगा विलादत है, लफ्ज बदलो, विलादत तेरी मेरी है। असी जमीए साढ़े जमन ते मटीरियल है, मैटर जरूरी है। मुअज्जना मुद्दत दे मोहताज हाँ, 9 महीने आले मुहम्मद का नजूल होवे ते फिर मैटर दे मोहताज नहीं, मुद्दत दे कौन फयकून। चलो मैं एक जुमला संभल के पूरी दलील ना लाख, मिंबर रसूल इतों इस दे मियार तू गिरे लफ्ज नहीं, ये वाहिद महफल है जिथे बाप बेटी लेके मुतमिन बैठे, वाहिद महफल है जिथे भाई बहन नू लेके मुतमिन बैठे, हुसैन का जिक्र है भाई, इतने संभल के गुफ्तगू की जाएगी। क्यों उसको क्यास कर रहे हैं तू तो अपने जा, जिथे असी जमीए साढ़े जमण तो पहले आ सारे विलादत ने, खानदान को खबर है अंडरग्राउंड, उम्मीद लग पी है, तुसी दुआ करो मौला खैर करे। डॉक्टर नु पता है लिबर्टी दस देगी फला महीने दी इन तारीखें च मुतवक्के साहब जम पैणगे चौक च खलवा शादी लाश दे टुकड़े कर दे, तेरे मेरे जमण तो पहले रोले होंदे ने खानदान नु महल्लेदारा नु डॉक्टर नु दाई नु लिबर्टी दस देंदी है जिथे इन्हों का जहूर हो। खानदान माइया दाइया दूर की गल है, सकी मां भी खबर नहीं। हाथ जिन्होंने सलामत ने मेहरबानी जी मेहरबानी, ताई दे इसमत ही तुहाड़े हाथ बुलंद, शाला खैरा तू खाली ना मिलके बोलो भाई आखिर तक उच्चा नारा है दरिया। मेहरबानी इस दौर च मासूमीन की ताई वास्ते हाथ बुलंद कर दे, शाला किसी के मोहताज ना हो। ये थोड़ी वाह वाह नहीं होंगी, थोड़ी ताई तो होंगी किरा मन का बहन लिखते ने इस भी गुआई दी भाई कि नहीं प्यों दे मोहताज।
खाना काबा बैतुल मुकद्दस क़िबला अव्वल पाको पाकीज़ा मस्तूर बैठी काबे दे अंदर अपने दौर दी बतूल है नाम मरियम सलामुल्लाह अलैहा। आद रात हो गई जिब्रील अमीन आ गए सलाम फरमा मेरा भी सलाम। हो सके जी मैं मैसेंजर हाँ मैं पैगाम लेके आया मैं जिब्रील हूँ फरमा हाँ वादा उला शरीक अल्लाह जल्ला जलालहू फरमा रहे मरियम ना आखो मेरे घर चुबार निकले मैं जी तुसे फरमा मैं आज तक नहीं निकली हूँ पता लगे जंग आले बतूल कौन है बतूल सुना देने जी दी रिहायश काबे चो मेहरबानी मेहरबानी भाई मेहरबानी भाई या मैं अगर जंग दे माहौल जुमला बदलना तो बनता है बतूल सुना ले जी दी रिहायश काबे चो या फिर दूसरा ऑप्शन ही है जिथे बतूल रवे उसनु काबा बना दे क्यों निकला उन्होंने आखिया जी तुम एक बच्चे की मां बनने आए हो मैं जी अगर कुरान की आयत का लहजा वेखते जनाब मरियम के लहजे का पता फर मैं खबरदार ना मैं ऐसी वैसी हाँ ते ना मैंने किसी बंदे बशर मस की शादी मेरी हुई नहीं किसी बशर मैंने टच किया ही नहीं आ सारे विलादत है नहीं तू खुशखबरियाँ किमें देन आ गया हो सके जी मेरी तो मजाल नहीं राज उस दे ने जड़ा ला कुल्ले शैन कदीर है वो फरमा रहे ने मरियम नु आखी ना तेरी शादी हुई है ना होनी है तू है बतूल ते बतूल दी शादी हर किसी नाल नहीं होंदी कुफ नाल होंदी है तेरा कुफ ही कौन है हुण पता लगे रसूल अल्लाह क्यों फरमाई लाओ ला अलीयुन लमा कानत ले फातिमा तकुफुन अगर कायनात च इमरान दा पुत्र अली ना होंदा मेरी जहरा दी बराबरी दा मर्द सब लख नबियां च भी कोई नहीं। बहुत शुक्रिया भाई बहुत शुक्रिया। फिर मैं तेरी शादी को नहीं होनी तू बतूल है तेरा कूफी को नहीं ते बच्चा मैं तीन देन लगा जिब्रील मरियम नु आख जेड़ा बच्चा मैं दे रहा ये आलमे खलक दा नहीं ये आलमे अमर दा मैं कौन आखना फयकून हो जा दस मुला हूं तू कि क्या पिद्दी का शौरबा मां नू खबर नहीं बई जिब्रील आके दस रहा है दस मेरी कोई मां बेटी बहन ऐसी हो जिन्हों पता ही ना हो पड़ोसन भी दस दी हो तो मां बनने वाले यदा मतलब जदन ये आवन फिर मामा नू भी खबर अच्छा इधर खतले बवो बिल्कुल बच्चा मालक तो नता कर आलम खल मेरे जेन की परवाज नहीं इतनी मेरे पारी कोई नहीं ये परे मवद्दत ताकत है आओ परवाज करे मैं ऑप्शन रास्ता दिखा देना जनाब ईसा अलैहि सलाम इब्ने मरियम बतूल दा बेटा अमरे संभल के सुनना भाई ईसा अमरे ते जिदी मैं ते तू रैयत बैठे हैं ना मेरा बहरवा अमर नहीं साहेब अमरे आए आफरीन आफरीन भाई आफरीन मैं सदके जे अमर दा हाल है ते साहिबे अमर कौन हो गया मोहम्मद वाले मोहम्मद सिर्फ अमर नहीं उलुल अमर फिर जिस बात दा तेन मुकल्लफ ही नहीं बनाया गया क्यों हथ करोड़े देने तू क्यों सजदा दे वेड़े बढ़ के तलाशियां ले रहे तू कैपेसिटी नहीं इतनी तेरी इस बात की समझ नहीं आती आले मोहम्मद की ऑप्शन देते फिर मैं थोड़े अकल थोड़े वो बात साढ़िया लुटा दिया करो अमर दी हालत साहिबान अमर कौन हो गया जे समझ नहीं आई तो जल्द मेरे कायम का जहूर होएगा मेरे कायम फरमा तकदम यबनल मरियम मरियम के बेटे आगे बढ़ो नमाज पढ़ाओ वो हाथ बन के आखन गए जरूरत है बतूल दे पुत्र अगे मैं खलो जा आए मेहरबानी मेहरबानी जहूर आखल है नजूल आखल है जमन ना कि इन्होंने जम दे मैं ते तू हाँ जिस माशरे खलोते हैं उस माशरे जमन हो रहे कल मुना सला कदरे अकूल हिम वो लफ्ज इस्तेमाल ना कर जरा तू तो अपने वास्ते इस्तेमाल कर होर ने असी होर हाँ तू मैं जमी है गुसले विलादत जरूरी है लिया मेरे नाल कुरान सर ते रख लै एक काबे च केड़ी टूटी लगी है
चौथे दिन रसूल अल्लाह आए ने, कोई बंदा मैं साबित करे, रसूल फरमाए मैं गुसल दो, मैंने जुबान चुसानी। पैगंबर जुबान अपनी अली दी जुबान ते रख दी थी। फिर कौन ने? त्रै शबान शब्बीर आए ने, रसूल अल्लाह ने खबर दी थी कि ये तुहाडी रिसाला दा मुहाफज आ गया, मस्जिद नबी चुट गए ने, कि दाई हुसैन चाक ले। फरमो रहा या रसूल की कहना, फरमा मेरे हुसैन दे जिम्मे गुसल नहीं दिता। फरमा खबरदार, एक बार आके हूं ना आखी, ये गुसलों के मोहताज नहीं। युतहिरा कुम ततहीरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर दुनिया इस खानदान को समझती, अली दियां दहियां बाजार च कसम बा खुदा इन्होंने अपने ते क्यास करते रहते। इन्हों का कमाल यह है कि उत्थों की मखलूक होके साडे दरम्यान इंज रहे ने, इंजरा च बस गए ने, अज तक सन शाके शायद साढ़े जी आ पी एच डी मास्टर डिग्री होल्डर हो के अनपढ़ देहातियां जिंदगी गुजारन औखी होंगी। मखलूक कितों की है तो कितने आके बस पे, बहुत मुश्किल है इन्होंने वास्ते। साढ़े जे नहीं है इस रूप में कौन है, वो नहीं पता चलेगा। अपने जे समझ के इन्होंने बहुत मारिया, अपने जे समझा ने तो बुला के आख्या ने ना हुसैन या बैत कर या हिजरत कर, निकल तू। जाकिर गर मजमा सामने मेरे बैठे है, जंग बैठे भाई, तुसी आजादार मामा दी झोलियां चक खोलिए, हुसैन दी मुसैब अली यूनिवर्सिटी जमे हो तो तुसी दाखिल हो। क्यों इन ऑप्शन रखे है, या हुसैन बैत कर या हिजरत कर। इन्हां वास्ते बैत और हिजरत बराबर इक्वल, यानी या बैत कर ले या मदीना निकल। उन्हें पक्का ही हुसैन नहीं मदीना छोड़ेगा, मरदा मर जाएगा। अज तक मदीने हुसैन की किसी बहन का बंदे कदम नहीं वेख्या, यानी इत्थे ही शहजादियां आईया ने ना। कसम बा खुदा कोई मदीने का बंदा नहीं दावा कर सकता, असी अली दियां धीआं नूं उस गली टुरदियां वेख्या ही। इत्थे ऐ मां की कबर है, रोज़े रसूल जन्नतुल बकी, दरम्यान कोई बाजार नहीं, कोई दरबार नहीं, कोई रश नहीं, घरों निकलना है तो मां की कबर है, दो तो तीन मिनट पैदल वाके। वादा उला शरीक दी कसम है, रोज बतूल दियां दियां मां दी कबर ते नहीं जा रही। हसन बाबा को पुछो, हाँ वो रातां कदन आउणियां ने जिन्हां रातां अंधेरा ज्यादा होंदा। मैं अम्मा जहरा दी कबर ते जाना, वो आखिरी त्रै चार महीने दियां रातां होंदियां ने, चंद देर नाल निकलदा। फिर फरमाए देना, हाँ हसन बहना नौ को तैयारी करो, मेरा सजे खबे रहना। अली आप अगे गए, मैं पढ़िया मोले मुत्तकियां आसमान अल मुंह करके आख रहे, मेरा अल्लाह बदल कर दे, चंद भी रोशनी ना हो। गुप हनेरे बिच शहजादियों लैके मां की कबर तैयार, चिराग जल रहे ने, कसम खुदा पाक दी अली अपने पल्लू नाल चिराग बुझा रहे। बाबा सी नाल हाँ किसी की जरूरत है, फिर मैं तहज्जुद का वेला है, मते कोई नमाजी तहज्जुद पढ़ने वाले मस्जिद ही चावे तो मेरी धी दे बुरके ते नजर दी पे। कितनी हाई करोगे तुसी, जेड़ा तहज्जुद गुजार नमाजी दी नजर धी दी चादर ते नहीं बर्दाश्त करता, पता नहीं ओदियां धीयां दे बुरके शराबी किवें लुटदे रहे। मरहबा भाई छोरी हाय कीती जली दी धीर आ गई। इन्हां पाक कई मरदा मां इस बैत ही करनी है, कित्थे इस हिजरत करनी है, आलिया जी बहन लैके कित्थे जाना है। ये बहुत बड़े छात्र हैं, गेमर हैं, बेगैरत, इन्हां पाक कई बैत करेगा साड़ी शहजादियों लैके इस कित्थे जाना है। लेकिन शब्बीर दा अज भी फैसला तारीख दे सीने ते सुनहरी हर फर फर मिसली ला शुबा, ये मिसला मुझ जैसा उस जैसे की कभी बयात नहीं करेगा।
ਉਸਾ ਕਿ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਫਰਮਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਗਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਬਲ ਫਜ਼ਲ ਲਬਾਸ ਪੈਰਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਜ ਖਾਸੀ ਕੰਬਦਾਈ ਜਲਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮੀ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਸਰਦਾਰ ਟੁਰ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਮਲਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਸਰਬ ਆਈ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੈਂ 28 ਸਫ਼ਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਕੇ ਲੈ ਗਏ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਦਣ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੱਪੇ ਆਣ ਇੰਜ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਨ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਤ ਨਾ ਜਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਲਾਲ ਨਾ ਵਿਖਾ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਦੀਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ ਮਦੀਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਦੇਣਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਨਾਨੇ ਮੱਕਾ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੋੜਿਆ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੋੜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਅੱਧ ਤੋਂ ਢਲ ਚੁੱਕੀ ਵਿਹੜਾ ਇਸਮਤੀ ਚ ਆਏ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ 40 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਸੇਨ ਆਈ ਉਸ ਸੇਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਇਮਾਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਬੈਠੇ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਓ ਬਤੂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾ ਬਾਇਤ ਜਾਂ ਹਿਜਰਤ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਓ ਬਤੂਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਬਲਾ ਜਾਏਗਾ ਦੀਨ ਬਚਾਉਣ ਜੰਗ ਵਾਲਿਆ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰੀ ਨਾ ਤੁਰੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਸੱਜਾਦ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਈ ਕਲਾਣ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੜੀਅਲ ਜਵਾਨ 22-23 ਸਾਲ ਸੋਹਣੀ ਮਸਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋ ਵੀ ਪੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਜਾਦ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਤੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਜਾ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋ ਮਹਾਜ਼ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਦੋ ਜਿਹਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦ ਅਸਗਰ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦ ਅਕਬਰ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾਦ ਕਰੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾਦ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਬਿਆਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਤ੍ਰੈ ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਅਤੇ ਤੱਸਾ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਭੱਜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਤ੍ਰੈ ਦਿਨ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਹਣਾ ਨਾ ਦਫਨਾਉਣਾ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰੋਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹਾਦ ਅਸਗਰ ਇੱਥੇ ਜਿਗਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਕਿਹੜਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਉਣ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਉਣ ਟੁਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮਰਹਬਾ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਅਗਲਾ ਸੁਣਨ ਆ ਲੈ ਫਰਮੈਂਦਨ ਅਲੀ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਬੇਟਾ ਵਸ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਦਰਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹਾਦ ਅਕਬਰ ਹੈ ਕੁੰਨ ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਅਲੀ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਕਿਸੇ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਜਾਦ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਸੈਯਦ ਆਦੀ ਮਰਹੂਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ
भाई अख्तर शाह जी दे खानदान अल्लाह बादो शाद रखे अम्मा हुसैन दी खुसूसी शिफात अता फरमाया बस लियाओ कागज कलम दुआत ना लिखी सिर नवा लिखिया गया मैं कमेंट करा फरमाया लिया बस हूं पहली मंजिल ही मेरे चौखे ना रवाई जो मैं आखा वो लिखी मौला मैं तामील करांगा फिर मैं पहले करबला दे शहादा दा ना लिखो पहले मेरा ना लिख हुसैन इब्ने अली शहीद करबला मौला लिख फिर मैं अगे अपना ना लिख अब्बास इब्ने अली शहीद करबला आउन बिन अली शहीद याया बिन अली शहीद करबला ना लिख दे लिख दे लिख दे फिर मैंने अगे मेरे पुत्रों के नाल अली अकबर इबन अल हुसैन शहीद करबला मर्दां दे फहरिस्त अखीर ते फरमा लिख अली असगर इबन अल हुसैन शहीद करबला जरा मां दी झोली तुशी आ जमया भाई उदी हाय निकलेगी सुमत इत्थे पहली बारी गाजी दा हथ कंबिया मुंडे ते हथ रख दे के बने मौला अली असगर भी शहीद है फरमा हां यही तो मेरे महाज का सब तो वड्डा बहादुर है मौला शहादत साडा विरत है मौत साढ़े ते वैसे मौत दे जावे मैं हैरान हाँ 18 दिन का है मदीने नहीं करबला शहादत है 18 दिन का बच्चा एडा लंबा सफर मां के बगैर किवें करेगा मौला 18 दिन का बच्चा जिन्हों समझ आई थोड़ी हाय निकल जाएगी मुंडे ते हाथ रख क्या देने पहली मंजिल ही मिन चौखा ना रवाई तेन हुने पता लगेगा बच्चे कल्या जाना या मां नाल जाना इन हैरान हो क्या देने अली दिया नूहां भी जान गईया फरमाया सिर्फ नूहां नहीं अली दिया धीआं भी जान गईया लिख ज़ैनब बिनते अली असीराए मरहबा मरहबा तुहाडा मातम कबूल होवे भाई तुहाडा मातम कबूल होवे सोना रोण वाले इंशाला भैणा नूं नसीब होवे बेटा तेरी अखां दे आंसू मैं कुर्बान हो पावा लिख ज़ैनब बिनते अली असीरा शाम हुक्म इमाम हुक्म खुदा मां दी तरबियत ही नहीं अगू क्यों आखे लेकिन एक कतल आई अब्बास दा अपने हथ नाल ज़ैनब ते शाम लिखा रोंदे भी आन ते नाम ही लिखते आन फरमाते ने क्यों रोने मौला अज मैं एहसास होया मैं बहुत अरसा पहले एक बारी बाबे अली नूं वखरियां तनहाई च रोंदिया वेख्या मैं पिओ दे पैर नाप के आखण बाबा जी दे एडे पुत्तर होण ओह वी कदी रोंदे अथरू पूंज के ते मेरा मत्था चुम कह दे नवाज शाम दे लोग बहुत बेगैरत अज मैं समझ आई है बाबा लुक लुक क्यों रोंदा शाम ते साडी बहन दा जोड़ कोई नहीं पर मैं नहीं बचदा दीन लिख कुलसूम बिनते अली असीरा शाम मौला लिखा गया फरमा के लिख रुकैया बिनते अली असीरा शाम हिस्से की बहन का नाम सुन के ना एक लम्हे वास्ते बड़ी उम्मीद आई है सरकारे वफा दे चेहरे कागज कलम दुआत रख कह देने वड्डे बादशाह नौकरां दी मन लैंदे ने मौला एक छोटी जी गल मेरी मान लो गे फरमा हाँ हाँ मेरे प्यो का पुत्र है तू मेरी मां की दुआएं मनवा की मनवाने मौला जे घर की गल घर में अजे गया कुछ नहीं किसी डिठा कुछ नहीं अगर हुक्म फरमाओ तो दोवे उतले शहजादियों के ना ना मिटा दे फरमाया क्यों फरमाया त्रै बारी मैं रुकैया बुलाया मैं रोंदी इत्यादि वस लाई जहरा दियाँ दियाँ बच जा शाम जाने मैं जाना मैं चौकन च खलो के आखांगी मैं वखरी दी अली दी आफरीन 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 ओ तेरे माहौल तू जंगा लिया सदके गल आके बड़ा रोने ते रो के फरमान लगे पराई ना समझी ओ मेरे प्यो दी धीआ सच्ची पूछे अब्बास मिन तेरी कसम है मिन ज़ैनब कुलसूम तू ज्यादा प्यारी है ये मेरी ओ बहन है जिसका मेरे मिशन च हर मां तू ज्यादा हिस्सा है छे पुत्र चार भेरा दो धीआ सरदी चादर मुस्लिम जैसा वारस ये सारा खर्चा इस मेरी कली बहन दे अगे लिख कुबरा बिनतल हुसैन असीरा शाह तरतीब नु मद्देनजर रख के वफा दा खालिक लिखण लगे सुगरा कलम उते हाथ रख दे फरमान नहीं नहीं ये नहीं
ते मालक नाल नहीं, फरमाए नाल नहीं जाएगी। के लिखा फरमाए सोराना लिख, लिख सकीना बिनतल हुसैन मदफूनाए शाम। सदके सदके बेटा जिन्हों मदफूना दी समझ आई है भाई, आफरीन 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 मदफते मौला एक ना रह नहीं गया। फरमाए हां सुगरा नाल नहीं जाना, मौला मर जाएगी। और तुसी तारीख पढ़ लो, सईदां दी तैयारी दे महवर मरकज दा नाम जनाबे सुगरा। फरमाते ने मैं जदों दा ऐलान कीता मैं कागज कलम दुआत चाण गया, मौला तुहाडी कसम है सब तो पहले तैयारी उसकी थी। और तुसी तारीख पढ़ लो, सब तो पहले मुतमईन होके नफ्से मुतमईना दी बेटी आई ना, पूरे इतमाद नाल सब तो पहले जनाबे सुगरा तरह तैयारी। जनाबे फिजा पूछा भी बादशाह बादशाह जादी है जे ते ना लिखवा रहे ने, पता नहीं तुहाडा ना लिखण या ना लिखण, ते मुतमईन होके आदी है दादी ये कोई गल्लां करन वालियां। सारे जग नूं पता है बाबा अकबर दे बगैर नहीं रहिंदे, अकबर मेरे बगैर नहीं रहिंदे। कोई गया ना गया, अली अकबर गया तो मैं तो जरूर जाना ना, अकबर दी मेरे विच जान है, मेरे बगैर नहीं रह सकते, अकबर मेरे बगैर नहीं जा सकता। मरना गई उस वेले जिसले उस अली अकबर आखे हर कह मंजना है तय नहीं है। फिर मैं मना करो उस तैयारी ना करें, इतने फिर गाजी कदमा ते हथ ला के दिन मौला रोकना है तो फिर मैं गरीब होके मिन्नत करना, शहजादे ने बुलाओ सब कुछ मना कर सक, अली अकबर का आख्या नहीं मोड़ सक। इतने फिर मजनू में करबला बुलाया, अकबर जी बाबा फरमाए औलाद प्यो की विरासत जो हिस्सा लेंदी है। जी बाबा फरमाए दुख मेरी विरासत है, पुत्र होने के नाते मेरे दुख तेरे हिस्से च आते हैं, जा प्यो का बार वंडा हिस्से की बहन मना कर। डिगे कदम इत रो कह दे वाह बाबा बारे बार चवैन है, हिस्से भी मेरे दी मना भी मैं करा। फिर मैं प्यार इंज कर दी है तेरा अखा नहीं मुड़ेगी। इधरों फिर अली अकबर टुर पे, दो दो कदम चाहते ने मुड़ मुड़ के बाबे नवे देने, मैं ते बाबा बुला लें। फिर दो कदम ए उत्थे हुसैन दी धी बैठी है मदीने दियाँ सहेलियाँ, किसी ने पे आदि तुसी दुआ करो अकबर दे सेरे वेखा, मैं यमनी चादर लैके आवानी। किसी ने पे आदि मैं तेरे वास्ते दुर लै आवानी, सखी प्यो दी धी है। ए इंज अली अकबर टुरे ने उधरों सुगरा वेखे तो उधरों अली अकबर वेखे, वेदी आई अकबर नूं तिगड़ी चाह के दिलो अल्लाह दे हवाले वीर में लैन आ गए। अजे उठदी पई ते जनाबे फिजा रो के दी गड़ड़ी राखो लैन नहीं आया, वो ते मना करन आया। जंग आले खलोते डिग पई ते रो के दी दादी उठा मैं अकबर मिला, दादी दे मोंडिया ते हथ रखे उत्थे आईए जिथे मिट्टियां ते अपने दौर दा मुहम्मद रो रहा है। कमदे हथा नाल अली अकबर दे आंसू पूंजे, सादीए नहीं अकबर नहीं तुसी नहीं रोना, अकबर मेरे वास्ते नहीं रोवो, अकबर मेरे को तेरा रोना बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मेरे वास्ते रोना है ना ए पई है सामान की गठड़ी, मैं नहीं नाल जाती, सिर्फ अपनी सोहनी जुबान नाल मेरे अलवे के आख आख सुगरा तू नाल नहीं जाना। अकबर मैं मर्दी मर जाऊंगी, मैं कदी नाल नहीं टुरांगी, ओ मैं सदके हो पाऊंगा। वैन करिए तुहाडे बहाने में भी रो लिया, आंसू मेरा भी आ गया। कोशिश करना इन आंसुओं में अपनी शिफा मंगना, अपने प्यारियां दी शिफा मंगना। अम्मा हुसैन दी किसी रुखाली ना टूरे, बीबी असी गरीब लोग हाँ, सैयदा असी नहीं मुतहमल, साडे मुल्क जो भी खानदान ने जिन्हां दा एक जी कमाण वाला है बाकी दिखाण वाले, इस बीमारी दे बीबी असी नहीं मुतहमल, मेरी कौम ते रहे फरमा। अम्मा हुसैन बीमारा नु शिफा दे दे बीबी, या सन कोई और बुआ बका दे सैयदा। ठीक है सी बहुत गुनाहगार हां, लेकिन तेरिया दियां नु ते सी रोण वाले हां। बीबी तुहाडे निगाहे करम न होई ते साडा इक लम्मा भी इस दुनिया ते महाल है, साडे दुश्मन ज्यादा ने। चाली घर की हवेली आई, एक बाउंड्री वाल वड्डी दीवार है, उसके अंदर चाली घर आई, एक वड्डा दरवाजा आई, चाली घर चो कोई निकलता ही तो उस जाता ही तो उस वाले
फरमाया अब्बास ऐलान कर जिन्हां दे नां आगे ने तैयारी कर, जिन्हां दे नां नहीं आए तैयारी ना कर। वेड़े दे अदवशकार खलो के ना सैयद शुहादा मेरे वेखोगे तां ज्यादा समझ आएगी। इंज एक बारी हसरत नाल 40 घरां दा बंद बूआ वेखे, इंज मत्थे ते हथ रख के दिन लै अम्मा जहरा दा वेड़ा मुसाफिर दा आखरी सलाम है, अलविदा मदीना, अलविदा अम्मा, अलविदा, आज दे बाद मैं तुहाडे शहर नहीं आवांगा, नाना तेन तेरियां नगरियां मुबारक, मुसाफिर तेरे शहर चो जा रहे नाना। हसरत नाल वेख के फरमाते ने है अब्बास सारियां तैयारियां मुकम्मल, बादशाह बिल्कुल मुकम्मल ने, तुहाडे अमर दा इंतजार है, तैयारी मुकम्मल है, जिन्हां दे नाम लिखे गए ने उन्हां जंदरे मार लेने, समान उठां ते लद दिता है, महमल वड्डे दरवाजे दे बाहर बिठा दिते, मुकम्मल परदा, सिर्फ अमरे मामद दा इंतजार है। हसरत नाल वेड़े नूं वेख के फरमाते ने मेरी सुगरा किथे, मौला जिस वड्डे दरवाजे चो गुजरने ना ओ मिट्टियां ते बैठी, जिद अंदर तुसीं आखे ने नाल नहीं जाना, मिट्टियां ते बह के बहुत रो रहे ने, ते रो रो के दिन अच्छा नाल ना लै जो, लंघना ते इत्थों ही है ना, आखिरी वेले मैं एक एक रिश्तेदार दा फिर मुंह वेखांगी, मैं फिर उठ के मिल लांगी, पिदरी मुहब्बत जोश मारिया हुसैन दे दुआं सू दाड़ी चुआ। पर मैं दिन अच्छा भाई सारियां चाबियां दियो मेरी धी दे हाथ ते, तुरदे हां एक एक जुमला एक एक गल मेरी धी नूं तसल्ली दी जरूर करो, उहदा औखा इम्तिहान, उह कल्ली रह गई है, दिलासा दियो उहनूं तसल्ली दियो, अब्बास पहले तू निकल जरा मदीने दी गली च परदा करा, मते कोई मर्द होवे तू सुना थोड़ी देर वास्ते परदा, शियां सुनिया अब्बास बाहर आए, गाजी दे एक हाथ चलम एक हाथ तलवार, मदीने दियां गलियां च भज भज के उम्मल बनी इंदा पुत्र पिया दाई अल हिजा, जेड़ा शिया मां दी झोली तू जमया है तेरी आए निकल गई है, मैं सुनियां नूं समझावां रो के पिया देण मदीने आलियां, मेरा नाम अब्बास है, मैं अली दा अली पुत्र हां, खबरदार जब तक मैं दूजा ऐलान न करा मदीने आलिया तेरा दुध पींदा बच्चा भी गली च ना आवे, साडी ज़ैनब बाहर आ। आफरीन पुरलाई खुद कोशिश करी अपनियां तनहाइयां दा समान, अपनी कबर दा चराग हुसैन दी मजलस च तलाश करी, कोई शै नहीं नाल लै जानी अगर गमे हुसैन किट्ठा कर ले, सब तो वड्डा सहारा ही मिन कुरान दी कसम है परदे हो गए, जेड़ा निकल लै चाबियां सुगरा नूं देंदा है। चलो तुहाडा सोहना माहौल है, जुमला तुसी अपने मिजाज नाल सुने, जाकिर घर लोगो एक जुमला मेरी मर्जी दा सुनो, फिजा रवायत कर दिए गलियां च अब्बास परदे कराए, वेड़े दे अदवशकार हुसैन खलोते आण, आदिन सारे गाजी दा ऐलान सुन के रो रियान, पता नहीं अकबर दे बाबे नू के ख्याल आया, आदि मैं पे वेदी आई हुसैन सर तू पगला हाईए, रोंदे रोंदे आसमान अल इशारा करके आदिन अल हिजा, तेन समझ नहीं आई मैं क्या कह, फिजा दिए मैं पैर नाप के पूछे, ओ पुत्र बतूल दा परदे ते गाजी कराए ने, तुसी आसमान ते इशारे के कर दे हो, डाडा रुने ते रो क्या देने, अम्मा नाना दस दे आन कई फरिश्ते ने जेड़े हर वेले मदीने दिया गलियां दी जियारत कर देना, ओ ना फरिश्तियां ने प्याना अखां बंद करके तस्बी पढ़ो, मेरी ज़ैनब बाहर आवाज आंदा अली दियां धियां बाहरा। आफरीन भाई, आफरीन भाई, क्या बात है, झांगा लिया तेरे ते करमी हुसैन दी मां दा, जेड़े तैयारियां ते इंज तड़प दे हो पता नहीं तुसी हुसैन दियां जरमां किवें बर्दाश्त करदे हो, परदे हो गए आसमान दे दरीचे बंद हो गए, असीं तां रोने आ जिहदे वास्ते शबीर परिंदे फरिश्तियां दियां अखां बंद कराईयां, पता नहीं के वेला कयामत आए, वो अली दियां दियां गाजी दे लहन दे ढिलाई बदमाश जुतियां समेत आलिया दे खैमे चा गए। आफरीन, आफरीन भाई, परदे हो गए जिहड़ा निकल लै चाबियां सुगरा नूं देंदा, पहला पहला सर ते हथ है कौन है, नौकर अब्बास,
मेरे ते नाराज नहीं होना बाद शहजादी लिखवा वेण आला तुहाडा बाबा ही लिखण आला मैं कनीज दा पुत्र आए जिमें लिखवादे रहन मेरी ते मिजाल नहीं रो क्या दी अल्लाह दे हवाले चाचा फर्क ते कोई नहीं पौंदा चलो फजल दी जिंदगी ओ भी गरीबां दी निभ वे सी दूसरा सर ते हथ है कौन है मैं तुहाडा भरा सजाद अल्लाह वा उस दे अली उन वली अल्लाह पढ़ना है कदी अपनी बहन नाल नाराज ना होवी नाराज भैन भी होवे टुरदे भिरा दी कंड वे क्या दिए बोल ना बोल मान ता मेरे मेन कुरान दी कसम हाथ चा क्या दिए वे बाकर दा लख होवी अल्लाह दे हवाले गरीबां दे निभ वैसे जितने कड़ियल जवान मातमी बैठे हो ए वैन तुहाडे हिस्से दा तुहाडा वैन ज्यादा होवे तीसरा सर ते हाथ आया पुछदी रही है कौन है जवाब नहीं आया मिट्टियां ते बैठी आई चेहरा जमीन लाए फरमाया गरीब प्या समझने भावे मैं मिट्टियां ते बैठी हाँ भावे मेरा मैला लिबास हाँ मैं भी किसे बादशाह दी धी ओ जाने अज वखरी गल मैं उजड़ गई हाँ कौन है मेरे सर ते हथ रखण आला फिर जवाब नहीं आया कोलू फिजा बोल क्या दिए शहजादी मैं दसनी हाँ जेड़ा नहीं बोलदा हिस्से दा भिरा अकबर ही अकबर दा नाम आया मिट्टी ते चादर मार गया दी बोल ना बोल इत्थे कदमा दा निशान ला जांगा लिया अकबर पैर चाया है बहन मुँह च रखया है आदि है जदन वलियो है भैन दा जनाजा इथ पिया हो सी आवाज आंदा ताए टुर वंजना है मैं मर वंजना है आफरीन 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 मैं सदके आऊंगा आवाज आंदा मैं मामल तो नहीं लथी वे तेरी चढ़ी होई जंग तो ले पईया मैं सदके आऊंगा चाबियां रखियां गुजर फिर सर ते हथ है कौन है मैं तुहाडी वड्डी फुफियां अम्मा ली अल्लाह दे हवाले मेरे वास्ते दुआ करना है लुगड़ी हवेली मैन खावे किथे गईयां रौनकां कितने दिन में इत्थे जिंदा रहना है फिर मैं ज्यादा परेशान होवे नाने दी कबर ते जाया कर नाले बेटा मेरे वास दे भी दुआ मंगना टड्डा साहब आ गया दो दी कतार भेरा मंदी तुहाडे नाल उजड़ ते मैं गई हां मेरा कोई नहीं बचा मेरी सेना दी है बेटा मैं सुने शाम दे लोग वड्डे बेगैरत ने अल्लाह दे हवाले फिर सर ते हथ है कौन फरमाया मैं तुहाडी बे औलाद फुफियां फिर सर ते हथ है कौन फरमाया फुफियां ला दावा कोई नहीं मैं तुहाडे नौकर दी बहन आ ते कसम पे चैनियां मेरे गाजी दा कोई कसूर नहीं लिखवाण वाला तुहाडा बाबा ही मेरे वीर दी गलती कोई नहीं मेरे भरा ते नाराज नहीं होना चाबियां जड़ी रखदी है गुजरदी है शबीर महमल दे कोल खलो क्या दिन है अब्बास आ गईयां मौला आ गईयां ने सारियां हिक नहीं आई कौन असगर दी मारो बा मैं पहला ही पता ही अमराउल कैस दी धीए शाही मिजाज रख दिए शबीरा दिन मैं आके वेखा उनताली घर जंद रहे इको दरवाजा खुला होया अमराउल कैस दी धीए रुबाब अठारह दिन का असगर हाथों से चाया हो साढ़े त्रै साल दी धी दी अंगल पकड़ी हुई है कदी दरवाजा बंद कर दिए कदी खोल दिए शबीरो क्या देने तू शहजादियां दी धीए जे सफर सुन के डर पईए कोई एतराज नहीं तू टिक पो असगर मैन दे करबला मेरी नहीं निभदी रो क्या दिए मैं कोई चंगियां अली दियां दियां तू सारियां गुजर गईयां मैं भूल दियां या सुगराए फरमाया या धी उठा या नवा दर बना मैं शर्म आता है मैं इन पाले जीवें सकियां मावा आफरीन आफरीन तेरिया दिया दे नसीब आन भाई तेरिया दिया दे बख्त आन मैं सदके वहां केड़ा सोना तुसी माहौल बना लिया भाई ये मेरी जाकरी नहीं ये मरहूम सैयदादी का हिस्सा उसी भाई ये मेरे भाइयों की मेहनत है भाई कसम चबा ले पी अकबर दा मैं सुगरा दे सामने आज तक सकीना नु प्यार कदी नहीं किया अगर झोली च बैठी है मेरी सकीना मैं सुगरा नु वे के उठा देंदी है उन्हां दे ज़हन च ना जाए मेरी सकी मां कोई नहीं मैं ते हर चंद कोशिश कीती है किसे शय दी कमी ना आवे इंज पाले जिवें सकियां पाल दियां
मेहरबानी करो या धी उठाओ उस पी उदा पुत्र है जिदे वास्ते काबे च नवा दर बनया या नवा दर बनाओ। मैनु शर्म आंदा है मेरे कोल सुगरा न सामना नहीं आंदा। पर मैं अच्छा तू खलो मैं धी दे सामने जा बना धी मेरे नाल गल्लां कर सी जदन माहौल मौका बन गया मैं तेन इशारा कर सा गुजर जाई मैं जाना मेरी धी जाने जलालाबाद जंगा लिया मुकई मेरी मजलस बन गया प्रोग्राम रुक गई रुबाब टुर पे हुसैन जिथे धी मिट्टियां ते बैठी आई इन झुके शबेर जिवें निमाजी रकोई झुकदे जानुआ ते हथ रख के धी दे सर ते झुके दन सुगरा ठंडा साहब आर क्या दी जी करा मैं अकबर ते असगर दा बाबा मेरा जो कोई नहीं दुनिया ते मैं बीमार हाँ बाबा पुत्रां दी खैर होंदी है धीआं तनहा छोड़नी औखियां होंदियां सैयदा दा मेरा पुत्र मेरी गल गौर नाल सुनी जिथे मैं धीआं दे दाज लुटीने वेखणे दुर लाहें दे वेखने उत्थे मैं धीआं दा विछोड़ा वेखने विछोड़ियां दा दर तेरे हिस्से दा बेटा तू साबिर प्यो दी धी है मेरे बाद बड़े हौसले लाल वक्त गुजारना इको गल कीती है बाबा मेरा इत्थे रहण नाल तुहाडा दीन बचवे सी पर मैंने ना मेरा पुत्र अल्लाह दी तौहीद बचेगी नान दी नबूवत और रिसालत बचेगी रोके दी ठीक है बाबा जाओ टुर जाओ जिंदा मैं उतना रहने जितनी अल्लाह दी मर्जी है मेरे वेण दुनिया नु दसन गए थे कोई बादशाह बसदा रह गया। अच्छा मेरा बेटा हुण मेरा सफर है तेरे बगैर मैं भी औखा लेकिन मेरे अल्लाह दी मर्जी है कोई गल कर मैं तेरी गल आखरी वेले सुन के टुर जा सारे रस्ते मैं तेरियां गल्लां सोचा ए गल मेरी सुगरा कीती है अथरू पूंज के आदि बाबा कोई नहीं मैं जिंदा रहा बाबा तुसी टुर जाओगे मैं मर जाओगे बाबा मेरी मिन्नत है जदन मैं मर गई चार रिश्तेदार मेरी कबर ते ना आवे कौन कौन ना आवी फरमाया पहला वो ना आवे जिस मुसाफर च मेरा नाम नहीं लिखा जंगा लिया जिथे अब्बास खलोते आन गाजी दीवारी टक्कर मार क्या दे बादशाह ताने देवाए नी मैं ते तेरा भी नौकर मैं तेरी औलादा भी नौकर वाजब दी नीयत हर बंदा एक बारी मेरे अल वेखे पहला चाचा गाजी ना वे दूजा कौन ना आवी फरमाया हिस्से दा भरा अकबर भी ना आवे हर बंदा मेरे अल वेखे जड़ा जमी मां दी झोली च मातमी है त्रीजा कौन ना आवी शब्बीर रुबाब नू इशारा कीते लंघ जा मां संभल के अठारह दिनों दा पुत्र चा के पे लंघदी आई जंगा लिया रोंदियां खिचू थोड़ा दिसदे जदन जल्दी दे नाल मां रुबाब पे गुजरदी आई रोंदियां खी नाल मां दे कदमां ते निगाह पै गई है सैयदा दे त्रीजा कौन ना आवी मिंबर दी कसम है वेंदी आई मां दे पैर नप के दिए त्रीजी ए भी ना आवे जेड़ी मेरी कुछ नहीं लगदी आज मेरी सकी मां होवे आफरीन 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 मातम कबूल हो भी भाई बाबा मेरी सकी मावे आ मैंने इन छोड़ के ना जाए आ मुक गई मेरी मजल झंगा लिया टुर गई मां कल्ले रह गए प्यू ते धी सैयदा दाए आखे चार नी दसे त्रै नी पहला अकबर नावे अब्बास नावे दूजा हिस्से दा बिरा त्रीजी मां रुबाब चौथा कौन नावी एक बारी कोशिश कीती लब हल्ले ने आवाज नहीं निकलिया अखां बस पईआं ने शब्बीर दी धी फिर तले मुंह कर लिया हुसैन हथ चाहे धी दे चेहरे तले रख के दिन मेरे अल वेख चौथा कौन नावी अक्खां बंद कर गया दी बाबा ना पुछो सैयदा दे नहीं लाजमी दस पर मैं बाबा मेहरबानी करो ना पुछो फर मैं ना मेरा पुत्र मैं टुर चलिया दस ना वेखी मेरे अल मिंबर दी कसम चादर नु हाथ पा क्या दी बाबा लाजमी पुछना ही मेरी चादर छोड़ ओ झंगा लिया प्यू चादर तू ठिया दी चादर करके वेड़े च टुर पईए पीछे पीछे प्यू पुछदे चौथा कौन आवी चौथा कौन आवी पंजवें कदम ते जाके इशारा करके दिए जे नाराज नावे चौथे तुसी ना आवे आया
सैयदा दे कोई वली ना वली मैं कोई ना वलना मेरी लाश ते घोड़े भाज वंजने ना उस वेले रो क्या दिए वात मेरे सारी चमिटियां पा ओ मैनू यतीम बना लानतुल्लाह अला आदाएहिम अजमईन मलाउनीन मिन यौमिना हाजा इला यौमिद्दीन। खुदाया कलील इबादत कबूल फरमा, इन आंसुओं दा सवाब, इस एहतमाम दा सवाब हक्के सैयदा भाई अख्तर शाह जी दी वालदे मरहूमा दी रूह तक पहुँचा, मरहूमा सैयदादी दे दर्जात बुलंद फरमा, शफात सैयदा नसीब फरमा, आला इल्लीयीन जगह नसीब फरमा। मेरा अल्लाह इस सादात के घर में आबाद व शाद फरमा।